बारिश स्टार्ट होने वाली, कपड़े देख सकते इतने गंदे हो गए, तूफान की वजह सारे कपड़े गंदे हो गए। अब कपड़े बस साफ हो गए जितने तूफान ने गंदे किए ना। अब इसमें सांप, बिच्छू, मछली जो भी है सब कुछ आ सकते हैं। देखे गाँव वाले यहाँ पे पिक्चर ले तो कुछ लोग फेसबुक पे लाइव कर रहे, कुछ लोग पिक्चर खींच रहे। ये देखे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय वीडियो। क्या हाल है, मेरे से फिरियत से होंगे। तो आज का फिलहाल सुबह के वक्त स्टार्ट कर रहे हैं। अभी टाइम 9:30 बज गए और मौसम अभी आप चेक कर सकते हैं। आज जो गर्मी वाला, सख्त गर्मी वाला मौसम था, जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं वासा, जो मतलब हवस टाइप होती है, हर टाइम हवा लगती है लेकिन इंसानों पर नहीं लगती, इसी तरह मौसम होता है। कल वो फाइनली ख़त्म हो गया, अब नया जो मौसम स्टार्ट हो गया है, इस मौसम को बादल कहते हैं। इसमें यार इसको आप क्या कहते हैं, गर्मा का कहते हैं, गर्मा के ये इस तरह चीज़ें, ये छोटे छोटे पिंपल टाइप की चीज़ें आती हैं जिसमें पानी होता है, आप लोग क्या कहेंगे, ये आते हैं इस सीज़न में। और दाने टाइप, कुछ लोगों पर दाने आते हैं लेकिन दाने वाले हम नहीं, हम तो सिर्फ कभी कभी आ जाते क्योंकि मूली बाल गिरती गर्मी होती है। तो बस ये सीज़न स्टार्ट हो गया, बस अब आगे चलते हैं, एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। इंटरनेट ने तकरीबन 3-4 दिन से काम छोड़ दिया है फिर से, मतलब वीडियो अपलोड नहीं होती यार। मेरे पास वीडियो सारी एडिट पड़ी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल तक आ जाऊँगा डिलीवरी पर, फिर इंटरनेट ने काम छोड़ दिया उस दिन, तो इस वजह से बस वीडियो एडिट है लेकिन अपलोड नहीं है। अब बस कोशिश कर रहा हूँ कि अपलोड कर लूँ यार, क्योंकि सारे इंटरनेट ने काम छोड़ दिया, सिर्फ तीन का गुजारा कर रहे हैं। अब वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, बस एडिट तो सारी है लेकिन अपलोड नहीं है। 13 अगस्त तक सारी एडिट हो चुकी है। फिर बात ये कि मोबाइल वाले ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, बताने तरफ लोग यार हवा में बातें छोड़ते हैं लेकिन कोई खरीद नहीं सकता। इस बात ये यार, मतलब हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने लेना है, जब बंदा प्राइस बोल देता है कि मतलब 190-180 तक सेल करना है, तो बस वो फिर दोबारा जवाब नहीं देते। खतरनाक तूफान आ गया, फुल अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, ऊपर फुल बादल और नीचे साइड पे फुल डस्ट और तेज हवा। तो चलो आपको आगे दिखाते हैं क्या हो रहा है। देखिए कितना डस्ट जा रहा है, तूफान इस साइड पे चला गया देख सकते हैं। ये बस बाकी तूफान जो है सेना में, ये सारा डस्ट इन जमीनों सारा और ऊपर कमाली बंड है सारा, क्योंकि कमाली बंड में खेत बहुत है, बस इस सर से रेड बढ़ के आ रही है। बारिश स्टार्ट होने वाली, कपड़े देख सकते हैं इतने गंदे हो गए, देखे तूफान की वजह सारे कपड़े गंदे हो गए, ये देख सकते हैं। और जो बैठे हुए उनके साथ मैं बैठा हुआ था, तो ये देखे कपड़ों का हाल, देखे ये सारे कपड़े हैं। अब दोबारा नहाएंगे, अभी मैं कपड़ों में नहाया था पसीने की वजह से, अब दोबारा नहाएंगे डस्ट और वजह से। बाकी बारिश बस स्टार्ट होने वाली है, देखे तेज बारिश बस स्टार्ट होने वाली है। हवा बारिश को लेकर आ रहे, बारिश दूर हो रही है लेकिन
लेकिन हवा के जिस वजह से यह कतरे लग रही है। तो चलो बस अब उधर चलते हैं, अब तो थोड़े का तैयार, मैंने नहाना है, बारिश में नहाना है क्योंकि सारे कपड़े बाहर तूफान निकल गए, बारिश में नहाएंगे इसमें साफ नहीं करेंगे। तो आज के दिन के साइड में बहुत बड़े फूल रस गया हुआ है, कई सारा मिट गया, तो बस अब इसमें मैंने नहाना है साफ करने के लिए। चलो बस तूफान हाथ पीछे से देखिए फूल से तूफान दिखे खत्म होने वाले क्योंकि बारिश आ गए, ये देखे और बाकी तूफान ये रहा है अभी भी वहाँ पैर रहा है, देखिए कितना तूफान यार। अभी आप बारिश चेक कर सकते हैं, तेज बारिश स्टार्ट हो रही है, देखे बस चलो नहा लिया सही से, अब कपड़े बस साफ हो गए, जितना तूफान दिखा तक किया था अब बारिश उतना साफ भी करी, लेकिन तेज बारिश हो रही है। अभी एक अच्छा मौसम, एक अच्छा नज़ारा आप देख सकते हैं बारिश के बाद, और मेरे ट्यूब्स में देखे पैर से मेरे हाल में पानी चला गया, लेंस के अंदर पानी चला गया, ये धूप में इसको रखेंगे फिर ये सूख जाएगा। गर्मी लग रही थी अब ठंड लग रही है यार, हवा भी है और साथ में मौसम अच्छा है। बारिश तो रुक गई, मौसम इतना अच्छा मौसम हो गया, तो चलो बस अभी इस तरह सीन है कि डैम से पानी आ गया, जैसे हम चनावस गए थे यार, अल्लाह हर करे चनावस तेज़ लग रहा है कि मेरे हाल में पानी बहुत तेज़ आ रहा है, दूर से नज़र आ रहा है, आपको अभी दिखा देते हैं। और हमारा भी गैदरिंग प्रोग्राम है, पश्तो में हमसे बात कहते हैं, सारे पड़ोसी हैं, मेरा कज़न भी है दुबई से आए हुए हैं, हम भाई भी हैं, चावल और चिकन मिलकर उसमें बना रहे हैं, बस चलो अभी वो भी तैयार होने वाला है और मौसम अच्छा हो गया, चनावस भी डैम से आ गया, आपको दिखा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये सारे चनावस हैं, तो पहले आपको दिखा देते कि हमारे गैदरिंग वाले जितनी भी हैं यहाँ से लेकर ये देखिए सारे वहाँ पे चले गए चनावस, मैं भी चलता हूँ आपको दिखाते हैं, लाए चनावस सारे चनावस आपको दिखाते जा रहे हैं। पहले एक डैम पे बात देख सकते हैं, ये लतम्बर ओल्ड डैम जहाँ पे डैम है, और ये हमारा पूरा गाँव, तो चलो ये लाए चनावस दिखा, बहुत सारा सख्त है वहाँ पे, देखिए पानी पहुँच गया है। देखे अब इसमें सांप बिच्छू मछली जो भी है सब कुछ आ सकते हैं, देखे अभी एक अच्छा व्यू, देखे लहरें देख सकते हैं, पानी बहुत तेज तेज आता जा रहा है, देखे ये देखिए जाग लेकर आ रहा है, गंदगी पहले गंदगी आता हो जाती है फिर उसके बाद तेज पानी प्योर पानी आता है, लहर और तेज होती जा रही है, और देखे अभी भी इंजॉय कर रही, देखिए पीछे से अच्छा नज़ारा सनसेट का है, और यहाँ पे चनावस आ गया सही थे, सारे गांव वाले यहाँ पे पिक्चर ले, तो कुछ लोग फेसबुक पे लाइव कर रहे, कुछ लोग पिक्चर खींच रहे, ये देखे इस तरह वीडियो लग रही है, जिस तरह मैंने वीडियो एडिट की है इस तरह लग रही है, ये ओरिजिनल वीडियो है, तो एडिटिंग में कुछ और तरह की लग रही है क्योंकि उसमें लाइटिंग कुछ कम ज़्यादा हो जाएगी। बाकी मौसम यार आज जो व्यू है आप नहीं फील कर सकते, देखिए उस साइड से किस तरह लग रहा है, और पीछे से देख सकते जिस तरह जो मॉडल्स होते हैं वो पिक्चर लेते हैं उनकी लाइटिंग होते ऊपर से आज इस तरह लाइट है, ये लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वजह से कैमरा अच्छा लग रहा है आज। तो चलो बस यार सब ने मेरे बाल
से पिक्चर और वीडियो बना दिए, लेकिन इनको सेंड मैंने नहीं करनी, इनको बाद में सेंड करेंगे। तो चलो बस अब चलते हैं। चावल मेरे हाल में बन गए, अभी 6:55 हो गए, बस मगरब की अज़ान के लिए 15 मिनट रहे थे। अब चलते हैं, बस इस वीला को यहाँ पेंट करते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय। बहुत टाइम बाद इस तरह व्लॉग मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि यार एक्टिविटी कम होती है तो मेरा दिल नहीं करता कि व्लॉग बनाऊं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि यार 26 महीने मैंने इस यूट्यूब लगातार किया है, अब इसको एक दिन के लिए फिर छोड़ना अच्छा नहीं लगता। 26 महीने में याद करता हूँ तो फिर यार बुरा लगता है कि अब एक दिन व्लॉग नहीं बने तो फिर मज़ा क्या आएगा। तो इस वजह से मैं फिर टोटल पूरा कर रहा होता हूँ। जो लोग मतलब वो नहीं पसंद करते तो उनसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि यार मैं मतलब 26 महीनों को जब याद करता हूँ तो फिर दिन को ज़ाया नहीं कर सकता। इस वजह से मैं इतना लंबा व्लॉग भी नहीं बनाता, सिर्फ उलीबाल का, तो जो हालात होते बस वो बता देता हूँ। आज व्लॉग फुल बन गया, बस चलो अभी चलते हैं कुछ खाते हैं। फुल अंधेरा, एक साइड से फुल रोशनी और एक साइड से अच्छा व्यू। देखिए हमारा पूरा गाँव, एंजॉय करें जो फौरन है। ड्रोन कैमरे की जरूरत दोबारा पड़ गई, लेकिन है ही नहीं। बस चलो यार, अगर होता तो कितना मज़ा आता। ड्रोन कैमरे को मिस करें, पता नहीं कब आएगा, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा आएगा, लेकिन मिस करो।